बाराछिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवरी जोध मुख्यालय पर कैंसर जैसी खतरनाक वैश्विक बीमारी का इलाज बड़े जोर शोर पर किया जा रहा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मरीजों की आवाजाही शुरू हुई। कैंसर से पीड़ित जहां अस्पतालों में जमीन जायदाद बेचकर या गिरवी रखकर सोना चांदी बेचकर महंगे से महंगा इलाज करवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छिपा बड़ौद के देवरी जोध में मात्र 4 बूंद दवा नाक में निःशुल्क डालकर बड़े से बड़े कैंसर के रोगियों को स्वस्थ किया जा रहा है, जहां पर प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में लोगों का तांता लगा रहता है और सबसे ज्यादा यहां पर मरीजों की भीड़ मंगलवार को दिखाई देती है। साथ ही उपचार के लिए राजस्थान प्रदेश ही नहीं कई अन्य राज्यों से भी कैंसर से पीड़ित मरीज अपने इलाज के लिए दुपहिया व चार पहिया वाहनों से यहाँ पहुँच रहे हैं। आज हमारे साथ देवरी जोध के बाबूलाल जी सुमन, जो अपने हाथों से कैंसर के रोगियों को जो दवा है इनकी, उस दवा से जो मरीजों को जो ये ठीक करते हैं, तो आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये दवा कैसे इनके हाथ लगी और कैसे ये यहाँ पे रोगियों का उपचार करते हैं। जी बाबूलाल जी, आप ये बताएं सबसे पहले तो कि जो आप मरीजों का जो इलाज कर रहे हैं कैंसर रोगियों का, तो ये दवा आपको कहाँ से और कैसे मिली? ये जंगल में से ढूंढ कर लाना पड़े। अच्छा, सब महावीर की कृपा से मिली। महावीर कौन? हनुमान जी बजरंग बली, बालाजी महाराज की कृपा से। अच्छा, एक बार ये दवा जरूर बता दें। खुद बनाते हैं और इसमें कुछ बाजार से भी लाना पड़ता है आपको? बाजार से तो खाने की लानी पड़ती है। अच्छा, तो ये दवा डालने के बाद आप खाने की भी? खाने की अगला मंगलवार में बनाई जाती है, मोल लानी पड़ती है। एक मंगलवार को तो आप दवा नाक में डालते हैं? हाँ। और दूसरे मंगलवार को खाने की दी जाती है। अच्छा, तो इसका कोई चार्ज वगैरह मरीजों से? वो पंचायती के यहाँ से आती है, 1500 रुपये। अच्छा, तो वो यही लाते हैं? हम ही लाते हैं। अच्छा, आप लाते हैं। ये कब से कर रहे हो आप ये खाने के? तो 4 साल हो गए। अच्छा, चालू करिए। अभी 8 साल हो गए। अच्छा, ये दवाई 8 साल से डाल रहे हो? 8 साल। 8 साल से। अब तक आपने कितने मरीजों को यहाँ पे, जो इस तरीके से जो मरीज आते हैं, तो आपने 8 साल में कितने लोगों को स्वस्थ कर दिया? अब देखो, स्वस्थ हो भागा तो कारण मुझे कब ठीक हो जाओ जी तो बोल ही दीजिए, और आखिरी आ जाओ जी तो फिर कुछ कोई इलाज नहीं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।